तो यार जैसा कि आप सभी को पता है कि 2021 के यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में मैंने जो यहाँ पर देखी स्कोर कार्ड में 326 मार्क्स पाए थे, ठीक है, जो कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। और आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो फिर चलिए हमारे साथ, क्या क्या मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्या क्या पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना रहता जीके में। पूरा जीके पढ़ोगे तो यार पागल हो जाओगे, पढ़ना क्या है मैं आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज पहली वीडियो है और आज से आपकी क्लास शुरू होती है। तो मेरे भाई मैं आपको पहले ये बता दूं कि 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं लोक नृत्य और कला शैली से आता है। 2-3 क्वेश्चन मतलब है कि आपके 6 मार्क्स, जी हाँ 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके एक वीडियो से 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों एक अलग अलग नृत्य होते हैं। जी हाँ, शास्त्रीय नृत्य से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होता है और आपके लोक नृत्य से भी 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म होता है। तो मतलब अगर आप जो है इतना पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हर बार की बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भरतनाट्यम जो आपका है वो कहाँ का, मतलब शास्त्रीय नृत्य है तो तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। फिर से सुनिए कि भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, कथकली आपका केरल का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सतरिया आपका असम का है, ओडिशा आपका ओडिशा का ही है, मणिपुरी तो मणिपुर का। एकदम इजी। फिर से सुनिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, नाम से लग रहा कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बोल दो कि आंध्र प्रदेश में पूड़ी बट रही है, मोहिनीअट्टम केरल, केरल की मोहनियाँ खूबसूरत होती हैं, मन मोह लेती हैं, ऐसे बोल सकते हो आप, असम सतरिया, ओडिशा ओडिशा, नाम सेम ही है, मणिपुरी मणिपुर, और ख़ास करके आपको यूपी का तो खास करके याद रखना है क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है। तो आप इतना याद कर लेंगे तो आपको यहाँ से जो आपका 1 से 2 क्वेश्चन आने, आपका 2 से 4 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाता है। बट इसके बाद वाला प्रोसेस लोक नृत्य, यहाँ से आपका भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स होता है, यानी 2 से 4 नंबर। इसमें सब आपको नहीं पढ़ना रहता है, यहाँ पे बस दिया गया। यहाँ पर देखिए, गुजरात के लिए अगर आपको पढ़ना तो आप गरबा पढ़ सकते हैं, ठीक है, जैसे गुजरात के पढ़ना तो आप गरबा पढ़ लीजिए, डांडिया रास पढ़ लीजिए, और खास नहीं गणपति भोजन पढ़ सकते हो, इम्पॉर्टेंट है, रासलीला भवई, ये इंपॉर्टेंट है, सब नहीं पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के लिए आप कजरी नौटंकी दिवाली, इसमें आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि आपके ही राज्य का है, तो ये पूरा पूछने की संभावना रहती है, ठीक है। और हरियाणा का तो भांगड़ा एकदम फेमस, सबको पता रहता है, ठीक है। और राजस्थान में आप जो है घूमर पढ़ सकते हो, गणौर पढ़ सकते हो, बगरिया पढ़ सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप गोपिका लीला भी पढ़ सकते हो राजस्थान के लिए, सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जब यहाँ पे बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की आती है तो यहाँ भी खास करके ये सब तो बहुत ही कम, मतलब कि केवल पूरे ही बार में केवल 1 से 2 बार ही पूछे गए हैं। खास करके आपका क्या पूछा जाता है पता है आपको, बता दूं, खास करके आपका यहाँ पे देखिए यूपी वाला पूछा जाता है, यूपी का, ठीक है, और यहाँ पर बिहार का ये पूछ लिया जाता है, जिसमें कि आपका जो है खास करके पंवरिया पूछा गया है, कई बार मैंने देखा है चकवा पूछा गया है, और बरवाहन पूछा गया है, ठीक है, घुमकुड़िया भी पूछा गया है। महाराष्ट्र में भी आपका खास करके जो है यहाँ पर मैं देखता हूँ दहीकला भी पूछा गया है, लावणी और गौरीचा, ये सब महाराष्ट्र में पूछे गए हैं। और हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य 2 से 3 बार पूछे गए हैं, ठीक है मेरे मित्र। और असम में जो है खास करके नागा नृत्य, और बहुत ही कम पूछ रहा था इसमें से, तो आप चाहे एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, और बहुत मुश्किल से, हाँ जम्मू कश्मीर भी आप पढ़ लीजिए, राव मंदसाजाज हिकात, ये जो है पिछले नहीं हम लोग के बारे में एक बार आया था मेरे मित्र, ठीक है। और आगे मैं आपको कुछ प्रश्न करवा देता हूँ, ये वो प्रश्न है जो 1 से 2 बार या फिर बीएड अब तक जितनी बार बीएड का एग्ज़ाम हुआ है बस इतने में से ही प्रश्न आए हैं, घुमा फिरा के इसी में से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो बताइए कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो महाराष्ट्र, जी हाँ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में जो रंगोली है वो वहाँ की प्रमुख लोक कला शैली है। बस इतना ही पढ़ना है कि रंगोली कहाँ की है, रंगोली आपकी महाराष्ट्र की है, और कुछ खास नहीं पढ़ना। आगे देखिए कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, अल्पना गुजरात की है, तमिलनाडु की है, उत्तर प्रदेश की है, पश्चिम बंगाल की है। तो जो अल्पना है
वो आपकी पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली है। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। जी हाँ, राजस्थान से। जी हाँ, राजस्थान से है। मंडाना जो आपका है वो राजस्थान से है मेरे मित्र, ठीक है। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। एक आपका ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो है चौकपुरना भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। तो मैं आपको बता दूं मेरे मित्र, जो चौकपुरना है ये आपके उत्तर प्रदेश की लोक कला है। यहाँ की राजधानी लखनऊ है और लोक नृत्य नौटंकी है। नौटंकी नाच आप सभी ने देखा ही होगा। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है। तो गरबा आपको पता है गुजरात में ही है। तो गरबा जो है आपका गुजरात में है, ठीक है मेरे मित्र। ये प्रश्न भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है मांग, कजरी, बोल या बोली। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख प्रसिद्ध लोक में जो आपका कजरी है, यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। ये देख लीजिए कि भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। तो आपको पता है कि पंजाब का है। नॉर्मल सी बात, पढ़ा आपने अभी। ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो जो बिहू लोक नृत्य है वो आपका कहाँ से है, वो आपका असम राज्य से संबंधित है बिहू लोक नृत्य, ठीक है मेरे मित्र। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुजरात का, महाराष्ट्र, तमाशा, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए, जो ये लावड़ी लोक नृत्य है वो आपका महाराष्ट्र, जी हाँ महाराष्ट्र, तमाशा, ये ब्रैकेट में रहना चाहिए था, यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, गुजरात, असम, झारखंड, महाराष्ट्र। तो आपको पता है डांडिया जो आपका है वो आपका गुजरात का है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य आपका क्या है, घूमर। जी हाँ, घूमर जो है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। लोक नृत्य और राज्यों की सूची में किसका मिलान नहीं है। भाखड़ा पंजाब का है, सबको पता है। डांडिया गुजरात का है, सबको पता है। नौटंकी उत्तर प्रदेश की है, ये भी सबको पता है। बट बिहू आंध्र प्रदेश का नहीं है। ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है मेरे मित्र। अब इसमें सब कंफ्यूज होंगे कि कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। तो यहाँ पर देखिए, मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम है, गरबा है, तो कथकली। तो यहाँ पर जो गरबा है वो भारतीय लोक नृत्य में आता है, ठीक है, इस बात को याद रख लीजिए, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में बहुत कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। एक इस तरीके का प्रश्न कर लीजिए कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है, घूमर, कथकली, गरबा और डांडिया। तो कथकली जो आप कौन सा नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो मित्र, आज की वीडियो से मैं आपको बता दूं कि कल से और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास करूंगा। बट आप समझ लीजिए, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर होता है और इसको समझते ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं कुछ नया तरीका ढूंढ कर लाऊंगा आपको, जिससे कि अच्छे समझ में आ जाए। बट आज से क्लास अगर आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका 4 नंबर से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। बेवजह बेफालतू की वीडियो नहीं डालेंगे, जो डाल जाएगा ऑथेंटिक होगा और दिन में या एक दिन में एक वीडियो या 2 दिन में 1 वीडियो ही आएंगे। बट गारंटी रहेगी कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज यानी 300 मार्क्स तक पहुंचाना लक्ष्य रहेगा, ठीक है मेरे मित्र। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगली कुछ खास टॉपिक होने वाली है, नृत्य से टॉपिक खत्म हो चुके हैं, बट और भी प्रयास रहेगा कि कहीं से और कोई क्वेश्चन मिलता है जो कि एज रहे कि वो आ सकते हैं, तो उनको भी आपको दे दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।